किसी को प्रॉब्लम हो इसमें, किसी को प्रॉब्लम पूछिए, कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम हो तो किसी को। नो सर, प्रॉब्लम सब लोग देखिए किस, नहीं जो वो बोलेगा, केवल वो बोलेगा जिसको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। बाद में सब बोलेंगे नो प्रॉब्लम, पहले वो बोले जिसको प्रॉब्लम है, ठीक है, बाद में बोले सब नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ जाएंगे फिर हम। तो पेज फाइव में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए पेज नंबर सिक्स को, देख लीजिए जल्दी कोई प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। देखिए इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है बच्चों, ये सब चीजें हैं। चलिए नई प्रॉब्लम है तो आगे चलते हैं बच्चों, जिसको प्रॉब्लम पूछ लेगा बिना शर्माए, ठीक है, वो नहीं करना है कि शर्माना है कि प्रॉब्लम नहीं आ रही, ठीक है। पेज नंबर सेवन देखिए बच्चों, एनी प्रॉब्लम? नो सर, नो सर। हाँ जिसको जिस मर्द में पेज में दिक्कत होगी तुरंत पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हमको बताने में कोई भी दिक्कत क्वेश्चन हो तो बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलो। एट और नाइन में किसी को पूछना है, एट नंबर और नाइन नंबर पेज नंबर में? नो सर। चलिए हम चैप्टर टू में आ रहे हैं फिर बच्चों, एट और नाइन में कुछ नहीं पूछने तो चैप्टर नंबर टू में आ रहे हैं फिर। हाँ चलो लार्ज नंबर आ गए बच्चों, लार्ज नंबर में आ गए, पेज नंबर 12 ओपन करो, रिवीजन करवा रहे हैं 12 खाते में। देखिए कोई प्रॉब्लम है, किसी को कहीं पूछना है? ट्वेल्थ 13 में हुआ हुआ बेटा, बड़ी बात नहीं है, कैसे हुआ ये बड़ी बात है, ठीक है, हुआ है ये अलग बात है, मगर आपको रीजन पता होना चाहिए क्वेश्चंस के, क्या क्यों हुआ है ऐसा, ठीक है। 12 नंबर 13 नंबर पेज नंबर देखिए, इसको समझो, चल रहा है ना, इसको समझो तो पढ़ाई करो, बड़ा बताइए बेटा, पेज नंबर 12 और 13 में किसी को प्रॉब्लम है, पूछना है कुछ पूछ लीजिए, नहीं तो आगे बढ़े हम, आगे बढ़े हैं। यस सर, यस सर, यस सर। 14 नंबर देखिए, पेज नंबर 14 और 15 में देखिए, पेज नंबर 14 और 15, 14 और 15 देखो बच्चों, मुझे जो थर्ड वाला नहीं आता, 14 वाला था। अच्छा एक्सपेंडेड फॉर्म, बहुत इजी है बेटा, सीख लो, देख लो, सब लोग देखिएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म पूछ रहे हैं ऋषिराज सिंह। बच्चों हम पहले बता देते हैं, 3 6 2 3 5 0, 2 3 5 0, 3,62,000, 350, नहीं दिख रहा है ना, रुक जाओ फिर सीरियस करके लिखता हूँ बेटा, दिख नहीं रहा आप लोग, अब दिख रहा है ना बच्चों, इसको लिखना है हमको एक्सपेंडेड फॉर्म में, कैसे लिखना बच्चों, एक्सपेंडेड फॉर्म में, ठीक है बच्चों, एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब क्या होता है बच्चों, इसका बड़ा रूप, ठीक है, फैला हुआ रूप, ठीक है बच्चों, इसको हमको क्या करना है, फैला देना, ठीक है। चलिए तो बच्चों देखो ये क्या है, लैक है, तो हम लोग पहले कॉमा अगर लगाते हैं, अगर लगाना चाहे कॉमा लगाना चाहे लगा लेते हैं कॉमा, तो बच्चों अगर इंडियन सिस्टम में लगाएंगे, कौन से सिस्टम में, इंडियन सिस्टम में, हाँ इंडियन पीरियड सिस्टम में लगाएंगे, तो पहला जो कॉमा लगता है बच्चों 100 के बाद 1, 10, 100, फिर बच्चों सेकेंड कॉमा 10,000 के बाद 1,000, 10,000, ये तो बच्चों ये हो गया 3,62,350, ठीक बच्चों। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है, क्या करें, पहले सबसे बड़ी डिजिट क्या है, यहाँ पे देखो सबसे बड़ी नंबर कौन है, जो सबसे बड़ी प्लेस है ये वाली है, ये लिखो उसको, और इसके आगे बच्चों कितने जीरो लगा देंगे, जितने डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट भी होगा, 1, 2, 3, 4, 5, ओके, प्लस लगाइए, प्लस लगाइए, फिर क्या लिखिए उसके बगल, जस्ट बगल में क्या है, 6, 6 लिखते, और कितने डिजिट बताएं, इसके आगे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 0,
हाँ ठीक है बच्चों, सी प्लस लगाइए, प्लस लगाइए और ये लिखिए, टू लिखिए, टू क्या कितने जीरो, थ्री जीरो, वन टू थ्री, फिर बच्चों ठीक आगे टू जीरो प्लस बच्चा बच्चों 50, अब 50 बच्चा 50 के आगे क्या जीरो है, जीरो के कोई मतलब है नहीं लगाने का, बच्चों देख लो नोट कर लो इसको, समझ गए आप लोग, सब लोग अच्छे समझ गए हैं, किसी को प्रॉब्लम है? नो सर, नो सर। अब बताइए 14 और 15 फर्स्ट चलो बता दे बेटा, फिल इन द ब्लैंक थोड़ा, यस सर बता देते हैं बेटा, ठीक है फिल इन द ब्लैंक बता देते हैं, इसको नोट हो गया ना, ये हो गया समझ आ गया तो बता देते हैं इसको बेटा, फिल इन द ब्लैंक में देखो क्या है, ठीक है जैसे लिखा हुआ बच्चों 615714 बता रहे हैं, हम कुछ नहीं पूछ रहे, उन्नति पूछे हैं, पूछना चाहिए बेटा, अच्छी बात है पूछना, पूछने से क्या होगा आप लोग पूछने लगोगे तो क्या होगा, अच्छी बात सीखने लगोगे, जिसे पूछने लगोगे जिसे सीखने लगोगे, ठीक है बच्चों, ये है बच्चों, ठीक है ये बेटा इसमें लिखा हुआ है, देखो ऐसे लिखा हुआ है स्पेस लैग, स्पेस लिखा हुआ है, हाँ सर 6 लाख होगा, वेरी गुड, तो बच्चों सर 10,000, हाँ रुक जाओ बताना बेटा इसमें क्या जो लाख बेटा इसमें कितना है, तो देखो 1,10,000, 10,000 लाख, लाख तो क्या 6 है ना, तो 6 लाख हो जाएगा बेटा, ठीक है अब आगे देखो 10,000 है तो कितना 10,000 है बेटा, 1,10,000 है, अगर यहाँ पे 5 होता, अगर यहाँ 7 होता तो क्या बोलते हम लोग 7,10,000, अगर 8 होता तो बोलते क्या बोलते 8,10,000, यहाँ पे 9 होता तो 9,10,000, जो भी होता उतने ही 10,000 हो जाता है, ये बेटा क्या 1,000 है, कितने 1,000, 5,000, 100 कितने हैं 7, 10 कितने बच्चे 1 और 1 कितने हैं 4, क्लियर हो गया, हाँ बेटा ऐसे ही कर लेना, देखो फिल कर लो जल्दी से, फिल कर लो बेटा जल्दी से इसको 615714, ओके और कुछ पूछना है किसी को, पेज नंबर 14 या 15 में से, चले आगे बच्चों, चले आगे बताइए, यस सर, हाँ चलते हैं आगे, ठीक है बच्चों एक्सरसाइज 2.3 पेज नंबर 16, एनी प्रॉब्लम टू एनीबॉडी, किसी कोई दिक्कत बता दो, बता देंगे हम, नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं, सबको ना सबको सबके लिए पूछ रहे हैं, सबको नहीं है तो आगे बढ़ेंगे तभी, कोई बच्चे बोलते ही नहीं है, छुपाते हैं, फलक खान, फलक बेटा चलिए एक्सरसाइज 2.4 में आइए बच्चे, 2.4 में आइए पेज नंबर 18, किसी को कुछ पूछना है पेज नंबर 18 में, देखिए देख लीजिए बातें नहीं, नंदनी नो प्रॉब्लम, चलिए चलिए रोमन नंबर में आते हैं, चैप्टर थर्ड रोमन नंबर, चैप्टर थर्ड रोमन नंबर आते हैं हम लोग 3.1 में, 3.1 में बताओ बच्चों पेज नंबर 21, पेज नंबर 21 एंड बेटा सब लोग बुक पे ध्यान दो, बुक पे सब लोग ध्यान दो अच्छे से, पेज नंबर 21 एंड 22, एनी प्रॉब्लम टू एनीबॉडी, नो सर नहीं प्रॉब्लम है, ठीक है बच्चों सब लोग बोलिए, ऋषिराज आप लोग म्यूट क्यों कर रहे हो, नंदिनी रूपाली फलक सब लोग बोलते रहिए, चैप्टर 4 एडिशन 4.1 एनी प्रॉब्लम टू एनीबॉडी, नो सर नो सर नो सर,
एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज 4.2, पेज नंबर 25. एनी प्रॉब्लम? नो सर. नो सर. सर वो सेकंड. कोई प्रॉब्लम है? नंबर नंबर छह आना चाहिए एग्जाम में, ठीक है? नो सर, नो सर बोल रहे हो. सर सेकंड वाला क्या होगा? सर फाइन द सम. किसमें बेटा? इस वाले में? सर बता दे रहे हैं. 4.2 वाले में 2 वाला. सो फाइंड द सम. ओके ओके बता देते हैं बेटा. फाइंड द सम, ठीक है बेटा. इनका क्वेश्चन है बेटा एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम. ठीक है बच्चों, ए नंबर बता देता हूं मैं. 25,000 लिखा हुआ है. 25,000 प्लस बच्चों प्लस 600 600 लिखा हुआ बच्चों. 600 प्लस 5 10. 5 क्या बच्चों? 10 है बच्चों. इनको क्या कर पहले हम लोग नंबर्स में लिख लें. बोलिए न्यूमेरिकल वैल्यू लिखने बच्चों इसके हम लोग ना. चलो बच्चों इसको न्यूमेरिकल में लिख लेते पहले हम लोग. बच्चो 25,000 मतलब क्या होगा? 25,000. चलो लिखते हैं बच्चों. देखो ऐसे करेंगे 25 लिखो बच्चों. 1000 बच्चों जान लो आप लोग बात. अगर बात आती है थाउजेंड की बच्चों उसमें कितने जीरो होते हैं? 3 जीरो. जब भी कभी बच्चों 1000 लिखना है, जितना 1000 बोले बच्चों, जितने 1000 बोले आप लोग उतना लिखो. जैसे अभी 5000 बोला होता तो मैं 5 लिखता, और 25 बोला तो 25 लिखा, और 1000 अगर बोला आगे तो 30. कितने बच्चों? 30 आगे ऐड कर दो, आगे ऐड कर दो. ओके बच्चों, जितने भी 1000 बोले, जितने भी 1000 बोले अगर कोई दिक्कत नहीं बच्चों, बस आगे 3000 बोल दो. बोलेगा 200,000 बोल दिया, 200,000 बोला होता बच्चों, तो पहले हम लोग क्या लिखते? 200 लिखते, बस 0 तो ऐड कर देते. ओके बच्चों ये हो गया, ठीक है. अब 600 बच्चों पहले 6 लिखो. 100 में कितने जीरो होते हैं? 2 जीरो. तो ऐड कर दो बच्चों, 2 जीरो ऐड कर दिया. 5 टेंस में कितने जीरो? 1 जीरो बच्चों ऐड कर लोगे आ जाएगा. ये देखो ऐड करो, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 5 5 हो जाएगा बेटा. 0 6 बेटा आगे 25 दिख रहा है बेटा. नोट कर लो बेटा जल्दी से. बाकी समझ में आ गया? कर लोगे बाकी? तो 4.2 में किसी को प्रॉब्लम है? पूरे 4.2 में पीछे भी है क्वेश्चन इसके. सर बार बार क्लास कट जा रही है बेटा. क्लास कट जा रही है आप क्या बेटा? आप बता, सुन लीजिए पहले बात, सुन लीजिए. अगर बार बार क्लास कट जा रही है बेटा तो ये आपके नेटवर्क का इशू है, प्रॉब्लम है बेटा. हम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते. आपको कितनी बार समझाया है नंदनी बात को क्लास में बेटा, हम क्या करें बताइए इसके लिए? आप क्या प्रॉब्लम है तो मैं कुछ कर सकता हूँ इसमें बेटा? आपका नेटवर्क वीक है बेटा, उसको ठीक करवाइए. और बच्चे बाकी बच्चे कर रहे हैं क्लास. नंदनी समझ में आ गया बात बेटा? सर बी वाला भी करा दीजिए. किसका बेटा? बी वाला क्वेश्चन नंबर बोलिए बेटा, पूरा क्वेश्चन नंबर कौन सा बी बताए? सर सेकंड का बी वाला. पेज नंबर? पेज नंबर. अच्छा बी सेकंड का बी. सर 25 यही है. इसका भी, इसका भी ना, इसका भी. यस सर. बार बार कट जा रहा कहीं ना बच्चों. 4 10,000 4 10,000 ध्यान देंगे. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. 1000 बच्चों 4 10,000 लिख लिया हमने, ठीक है बच्चों. आगे देखो बच्चों 28,000
28,000 किसका क्वेश्चन था ये, कौन पूछा है बोलो, किसने पूछा बेटा ये? सर मैं आर्यन, आर्यन पूछे हैं क्वेश्चन? यस सर। अच्छा बेटा अब ध्यान देंगे हम लोग, 4-10,000 तो बच्चों आपको कोई बात बता दूं, 1000 में जैसे बच्चों 1000 में 3 zeros होते हैं, वैसे ही 10,000 बच्चों 4 zeros होते हैं, 10,000 में 4 zeros, तो बच्चों जो भी नंबर लिखा है उसको लिखिए, वो लिखा और साथ में बच्चों 4 zeros, 1, 2, 3, 4, 4 zeros बच्चों ने उसके बाद ऐड कर दिया। एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम बात समझ आई नहीं समझ आई? किसको नहीं समझ आया बताओ, बोलिए बोलिए किसको नहीं समझ आया? कोई बात नहीं पूछ सकते बेटा, पूछो अगर नहीं आया पूछो, बार बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। हमने कहा 4-10,000, हमने लिखा 10,000 बच्चों 4 zero होते हैं, इसलिए हमने 4 zero आगे लगा दिए, ठीक है? तो आगे देखो बच्चों 28,000, तो 28,000 अनिकेत कुमार इतनी बात, बातें नहीं करो बेटा अनिकेत। 28,000 बच्चों, तो 28 लिखा हमने और 1000 में क्या बताया था हमने भी 3 zeros। आवाज सबको आ रही बेटा? यस सर, यस सर। हाँ 12 tens बच्चों, तो 12 लिखो, 28 मैंने बताया अभी, टेंस में कितने बच्चों 0, 1 zero, नोट नोट कर लो, ओके। ओके बच्चों, ओके सर। हाँ अब इनको ऐड करना है बस हमको, तो देखो तो लास्ट से स्टार्ट करते हैं बच्चों, हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 0 0 0 0 हो गया बच्चों, 0 0 2 2 हो गया बच्चों, 0 0 1 1 हो गया बच्चों। अब देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 8 है, तो 8 हो गया बच्चों, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, 6 हो गया बच्चों, ठीक है? तो ये हो गया ऐड हो गया, क्या बन गया 68,120, नोट कर लो बच्चों ये। अब बताइए समझ में आया बेटा जो पूछा था आर्यन कुमार, समझ में आ गया बेटा? यस सर। हाँ बेटा, तो जिस जो भी रहेगा आप जीरो से लगे सॉल्व करो तो बढ़िया हो जाएगा। अब बताइए 4.2 में किसी और को दिक्कत, कुछ दिक्कत है? नो सर। चलिए 4.2 में दिक्कत खत्म, एंड 4.3 में? नो सर। सब लोग बोलिए किसी को कोई दिक्कत है 4.3 में? नो सर, नो सर। अच्छा चलो ठीक है बच्चों, 4.3 में भी दिक्कत नहीं है, हमने जहां तक यहाँ तक पढ़ाया है तो आप लोग रिवाइज हो गया एक दिन में ही, क्यों एक दिन में ही रिवाइज हो गया? यस सर। चलिए चलिए ठीक है फिर, अच्छी बात है। टेबल कहाँ तक लर्न हुई आप लोग को, सब लोग को? चलो बारी बारी बताओ अनिकेत कुमार, बताइए टेबल कहाँ तक लर्न है? साक्षी बेटा कहाँ तक लर्न है बताइए टेबल? पता है। हाँ बताओ सर, 5 फाइव तक इतने, 4 में पहुंच गए, 5 तक टेबल याद है? हाँ बेटा साक्षी कहाँ तक याद है आपको? 50। वेरी गुड। 29
यस सर। कार्तिक लेना बेटा। हमको 11 तक याद है और ये 8 और 7 की नहीं है। 11 तक याद कैसे हुई फिर? बीच में खा गई तो बेटा अच्छे से याद करो उन्नति, ठीक है? यस सर। और क्या है अनन्या सिंह, कहाँ तक याद है बेटा? सर 17। वेरी गुड। आर्यन कुमार याद है, हमारी को याद नहीं है। टेबल हाँ सर 15। दिव्यांश कहाँ तक लाने बेटा? 15। हाँ तर, तीन तर, तीन तर, तीन। सुनते हैं जो सब झूठ बोल रहे हैं ना, सुनते हैं रुक जाओ। रूपाली आपको कहाँ तक याद है बेटा? टेबल कहाँ तक लाने बेटा रूपाली? और तीन तर। टू थ्री टेन। टेन तक याद है बस। क्या बता रही बेटा, नहीं समझ आया? टेन तक बता रहे हो? टेबल सब लोग लर्न करिए, टेबल से क्या होगा आप लोग की कैलकुलेशन तेज होगी। टेबल लर्न करिए, ठीक है? चलिए आइए थोड़ा सा पढ़ाते हैं भाई बच्चों, अब इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है? तो हो गया मैथ, तो इसको देख लेते हैं फिर से वापस निकाल लो। इसको करो फोर नंबर करते हैं। चलो मेमल, चलो बच्चों मेमल करते हैं। जल्दी करो, खोलो, चलो मेमल खोलो। पेज नंबर 9, पेज नंबर 9 खोलो बच्चों। नॉलेज अपडेट में पेज नंबर 9 खोलो जल्दी से बच्चों। हाँ बच्चों, बच्चों पहली बात हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे हम लोग? हम लोग जानेंगे मेमल क्या होता है बच्चों, ठीक है? हम लोग क्या जानेंगे बच्चों, कोई जानता है मेमल क्या होते हैं बताइए? कोई जानता है मेमल्स क्या होते हैं बच्चों? मेमल्स नो सर। नो सर। जो बच्चे क्या करते हैं, जो देखो कुछ कुछ जानवर होते हैं क्या बच्चों, कुछ एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं, अंडे देते हैं, तो उनमें से बच्चे निकलते हैं। कुछ जानवर होते हैं जो बच्चे देते हैं बच्चों, ठीक है? तो मेमल्स क्या होंगे उन्हीं बच्चों को कहेंगे जो क्या करते हैं, बच्चे देते हैं, ओके? अंडे नहीं देते। चलो बच्चों बात करते हैं फर्स्ट की। बच्चों फोर नंबर में देखो बच्चों, फर्स्ट जो है फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा देखो बच्चों, बताओ। द बिगेस्ट लैंड मैमल बच्चों बताइए, बिगेस्ट मतलब क्या बच्चों? बिगेस्ट मतलब बताओ पहले। बिगेस्ट सबसे बड़ा नहीं था, बड़ा नहीं सबसे बड़ा, मतलब बड़ा होता है। बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा बेटा, बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा बेटा, ओके? बताओ क्या हो जाएगा बच्चों? एलिफेंट। अब तो एलिफेंट होगा बच्चों, बोलेंगे अफ्रीकन एलिफेंट। कौन सा एलिफेंट? अफ्रीकन एलिफेंट। अफ्रीकन एलिफेंट। हाँ बेटा अफ्रीकन एलिफेंट जो है सबसे क्या होता है बच्चों? बिगेस्ट लैंड मैमल है। बिगेस्ट क्या बच्चों? बड़ा, सबसे बड़ा लैंड मैमल है। पहले बहुत पहले क्या हुआ करते थे, द
डायनासोर हुआ करते थे। यस सर। हाँ रुक जाओ बच्चों, आवाज निकाल देते हैं तो। सर हम बच्चों आवाज आ रही है? यस सर। ओके 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 बच्चों क्या हो जाएगा? अफ्रीकन एलिफेंट। पहले बहुत पहले बच्चों कई साल पहले इंडियन ईयर बच्चों क्या हुआ करते थे? हेलो। हाँ बेटा बोलिए। सर हम लोग में स्टडी है ना? हाँ हम लोग में एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी क्या पूछ रहे हो बेटा? सर हम पूछ रहे कि हम लोग में एनसीईआरटी है ऐप। बेटा आप लोग के स्कूल में एनसीईआरटी लगती नहीं? पहली बात ये सब बातें बेटा स्कूल में आके पूछा करिए, ठीक है? क्लास में नहीं बेटा, ये सब बातें क्लास में की जाती है, ठीक है? चलिए ध्यान दीजिए, क्लास में केवल पढ़ाई होगी। ओके ठीक है बच्चों। बच्चों अफ्रीकन एलिफेंट पास चलता है। सर ठीक ही था। बच्चों सेकंड देखो, बच्चों सेकंड नंबर देखो, द फास्टेस्ट रनर मैमल ऑन लैंड। बच्चों सबसे तेज कौन सा रनर रन करने वाला? बच्चों करने वाला मैमल कौन है लैंड पर? तो बच्चों उसका नाम है लॉन्ग हॉर्न। लॉन्ग हॉर्न बच्चों, लॉन्ग हॉर्न देखो बच्चों, आगे देखते हैं। ईशा कुमारी या तो म्यूट कर लो या बेटा शांत करा लो। ठीक बच्चों अब आगे देखो बच्चों, द लार्जेस्ट मैमल ऑन द अर्थ। बच्चों सही है, लार्ज मतलब बच्चों सबसे बड़ी मैमल, सही कौन सी होगी? कौन होगा? ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल क्यों बेटा? तो लार्ज हमने पढ़ा था ऊपर, सबसे बड़ा कौन होगा? एलिफेंट होगा। बताइए अभी हमने ऊपर पढ़ा था सबसे बड़ा कौन था? एलिफेंट था। ब्लू व्हेल होगा क्या सबसे बड़ा? हम क्या ब्लू व्हेल? अरे भाई ब्लू व्हेल बोल रहे हो ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि अभी सबसे बड़ा हमने क्या पढ़ा था? अभी हमने पढ़ा सबसे बड़ा कौन है? एलिफेंट पढ़ा था ना पहले? एलिफेंट। हाँ पढ़ा था ना? यस सर। अभी ब्लू व्हेल बता रहे हो पढ़ा सबसे बड़ा, ऐसा कैसे हो गया? तुरंत आंसर बदल गया? बोलिए बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, क्या कहा गया था पहले वाले? बिगेस्ट मैमल ऑन द लैंड। अगर ब्लू व्हेल लैंड पे नहीं रहती, बात करो अगर हमारी अर्थ पे सबसे बड़ा मैमल कौन है तो वो है ब्लू व्हेल। कौन है बच्चों? ब्लू व्हेल है। अगर लैंड पे ब्लू, हाँ तो ब्लू व्हेल तो लैंड पे रहती नहीं है, कहाँ रहती बच्चों? ओशियंस में रहती है। कहाँ रहती है? ओशियंस में। हाँ ठीक बच्चों, बहुत बड़ी होती है, ठीक है बच्चों? क्या हो गया? ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल हाँ ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल ओके बच्चों। सर ब्लू व्हेल हाँ।
बच्चों अब आगे देखो, सब फास्टेस्ट लैंड मेमर सर चीता। क्या होगा? चीता 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 टाइगर फास्टेस्ट मतलब बच्चों सर टाइगर केवल लंबू वाला नहीं, फास्टेस्ट में हर चीज में फास्ट है। मंजर मारेगा पांच मारेगा, ठीक है जो मंजर मारेगा पांच मारेगा, ठीक है हर चीज में पांच। सर सर हाँ बेटा बोलो। ये तो चीज कुछ नहीं था, कुछ नहीं बच्चों। टिप नंबर देखो, the smallest mammal on the land, तो सबसे छोटा मैमल कौन है बच्चों? सर बैट। बम्बली बैट। बैट है मतलब कौन सा बैट है? बम्बली बैट। बम्बली बैट बैट। बम्बली बी बैट। बम्बली बैट। ये बच्चों क्या सबसे छोटा? सबसे छोटा है हमारे सबसे छोटा मेमल कौन बच्चों? ऐसा बच्चों ऐसा हमारा एनिमल जो क्या करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, जो उसमें सबसे छोटा करने में छोटा कौन है बच्चों? बम्बली बैट, ठीक है। बम्बली बैट, ठीक है। बम्बली बैट हो गया सबसे छोटा ऐसा एनिमल जो क्या बच्चे भी देता है साथ में छोटा भी है और इससे छोटे भी हैं। अगर वो क्या बच्चों को अंडे देने वाले इससे छोटे भी मतलब वो क्या देते हैं? अंडे देते हैं, वो बच्चे नहीं देते। ओके ओके सर। हाँ बच्चों आगे देखो, आगे है बेटा मेमल विद शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन। ऐसा मेमल का बच्चों लाइफ स्पैन, तो लाइफ स्पैन मतलब हम लोग क्या है तो हम लोग ऐसे साथ जी जाते हैं, ठीक है। कुछ जानवर तो जो 10 साल जीते हैं, कुछ जानवर 20 साल जीते हैं, जितना जीना वो जीते हैं हम लोग उसे बोलते हैं लाइफ स्पैन, ठीक है। हम लोग 70-80-90 साल जाते चले जाते हैं जी लेते हैं, ठीक है। तो वो तो लाइफ स्पैन होती है, सब छोटी लाइफ स्पैन कितनी होती है तो बताना है। तो बच्चों नाम है शिव, ये बच्चों सबसे कम जीने वाला, सबसे कम जीता है, सबसे कम जीने वाला कौन सा है? ये बच्चों इसमें बच्चों जो बना बच्चों बच्चों आगे देखो 13 नंबर बच्चों टॉयलेट में मंगा लें गिराफ। गिराफ सर गिराफ पर बैठो लाइक कर सकते हो उसके करने के आगे देखो बच्चों पांच मरीन मेमल बेटा मरीन मेमल बेटा क्या है बच्चों? किलर वे किलर वे क्या बच्चों मरीन ये नंबर देखो तू।